ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की बड़ी तैयारी है बनारस से लेकर दिल्ली तक। बनारस में मोदी के कमांडर अमित शाह और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कल टीएम पर गंभीर आरोप लगाए, कहा वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को अलाउ करते हैं, वो भी माइनॉरिटी एरिया से निकलेगी रैली, लेकिन उनको अलाउ करते हैं रोड शो करना, मोदी जी को नहीं करते। देखिए, इतना निश्चित है कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव ये रिटर्निंग ऑफिसर कम से कम नहीं करा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का मत है और इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि इसको तत्काल बदला जाए। ऐसा व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर एक मिनट के लिए नहीं चलना चाहिए, ये हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की एक विफलता है। बनारस में बीजेपी के निशाने पर सिर्फ चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन नहीं है, पार्टी नेता इशारों इशारों में इसके पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो ही प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं। बनारस के डीएम और रिटर्निंग अफसर ने कहा, जितनी जल्दी हमने इजाजत दी ऐसा कहीं नहीं होता। एसएसपी ने भी सुरक्षा का तर्क दिया, इतनी फास्ट अनुमति शायद ही किसी जनपद में होती है। दो अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन, 5 में से 4 हमने दे दी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे छोटा कटिंग के आसपास बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ कंजेस्टेड एरिया है और छोटी छोटी सड़कें हैं पास में, और वहाँ पर अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर समस्या हो सकती है। लेकिन बीजेपी प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर को पूछना चाहता हूं, कौन सी एजेंसी का रिपोर्ट आपके पास से है, कौन सी एजेंसी का इनपुट आपके पास में है जो कहता है कि श्री मोदी की रैली बेनियाबाग में नहीं हो सकती। बीजेपी की मांग पर आयोग कुछ कहने को तैयार नहीं, कहा जो भी फैसला लिया जाएगा सबके सामने होगा। इसमें जो भी गुण दोष के आधार पर जो निर्णय होगा वो कमीशन के द्वारा उसमें लिया जाएगा और आपको अवगत कराएगा। तो बीजेपी का बड़ा प्लान बनारस के लिए, चलिए बनारस का सीधे रुख करेंगे। शीतल राजपूत हमारे कार्यकारी संपादक लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीतल, कल जिस तरीके से आरोप लगाया रिटर्निंग ऑफिसर पर और उसके बाद देर रात जो अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने कह दिया हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमें करने देता है। आपने अभी थोड़ी देर जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले कि वहां पर कार्यकर्ता पहुंचने भी लगे हैं और उसके बाद जिस तरीके से कल कटघरे में खड़ा किया, स्थिति आज प्रशासन के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। प्रशासन के लिए मुश्किल है, लेकिन प्रशासन ये कह सकता है कि हमने तो अपनी ओर से इजाजत दे दी। अब अगर बीजेपी आयोजन नहीं कर पा रही या जो सभाएं जिसकी हमने इजाजत दी है वो उसको नहीं करना चाह रहे हैं तो ये उनकी इच्छा है। लेकिन जिस तरह से राकेश रात को यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात थी, सुरक्षा कर्मियों का भारी दस्ता यहाँ पर मौजूद था, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को, जैसी तस्वीर रात को थी वैसी इस वक्त यहाँ नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को ऐसे कहूंगी कि मेरे पीछे और मेरी बाई तरफ वो कैमरा घुमाए, आपको यहाँ पे बीजेपी के कुछ थोड़े से कार्यकर्ता दिख जाएंगे जो धीरे धीरे जिनकी तादाद बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात नहीं है। सामान्य सी स्थिति है बिल्कुल यहाँ पर, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं मान चुका है कि बीजेपी का धरना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है। चलिए शीतल, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल राजपूत हमारी कार्यकारी संपादक बनारस से लंका गेट पर मौजूद थी और वहां पर बीजेपी की तैयारी है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की। हालांकि एक जरूर बात उन्होंने अहम कही कि रात में वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात जरूर किया गया था, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी है नहीं, प्रशासन ये मान रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहां पर होगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए गुडलक गुरु पवन सिन्हा के साथ।